हेलो फ्रेंड्स, दिव्यास हेल्थ किचन में आज बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल कृष्ण जी का प्रिय भोग पंजीरी। आइए देखते हैं इसकी बढ़िया सी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यास हेल्थ किचन में आप सभी का स्वागत करती। अब सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम लो रखनी है। अब इसके अंदर एक चम्मच घी को ऐड कर देते हैं। घी के मेल्ट होते ही इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 100 ग्राम धनिया पाउडर का यूज़ किया है, इस हिसाब से मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ। काजू बादाम है, इसे बारीक कट कर लिया था। इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है घी के अंदर। ये पंजीरी जब कृष्ण जी का जन्म होता है उसके बाद प्रसादी के रूप में सबको बांटते हैं। ध्यान देना है हमें, गैस की फ्लेम को हमें ज़रा भी हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही इसे हमें रोस्ट कर लेना है। अब इसी के अंदर हमें किशमिश को ऐड करना है। इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, 2-3 मिनट चलाने के बाद अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें सूखा नारियल है छीना हुआ, इसे लेना है। इसे भी हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। नारियल के छीन को हमें जलाना नहीं है, नॉर्मल ही इसे फ्राई करना है। अब हमारा कोकोनट भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी गरम कढ़ाई में हमें एक चम्मच घी को ऐड कर देना है। अब घी के गरम होते ही हमें इसमें धनिया पाउडर मिलाना है, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम धनिया पाउडर लिया है। इसी तरह से हमें धनिया पाउडर लेना है। अब इसे घी के अंदर हमें फ्राई कर लेना है। जब भी हम पंजीरी बनाते हैं तो धनिया पाउडर का ही यूज़ होता है, सूखा धनिया होता है। इसे आप घर पर भी पीस कर बना सकते हो या मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है। और इसे घी के अंदर ही हमें रोस्ट करना होता है, जिससे इसमें जो थोड़ा सा कच्चापन होता है वो निकल जाता है और पंजीरी का प्रसाद खाने में और भी टेस्टी लगता है। इस प्रसादी का भोग कृष्ण जी को बहुत पसंद है, इसीलिए हर घर में जन्माष्टमी के दिन यह पंजीरी बनाते हैं। अब 3-4 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारा धनिया पाउडर भी अच्छे से घी के अंदर रोस्ट हो गया है। अब इसे भी हमें निकाल लेना है। अब हमें एक बाउल ले लेना है। सबसे पहले इसके अंदर हमने जो रोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर है इसे ऐड कर देते हैं। इसे ऐड करने के बाद हमें इसमें कोकोनट है रोस्ट किया हुआ, इसे भी ऐड कर देना है। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स हैं इसे रोस्ट कर लिया था, इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अगर हम घी में अच्छे से रोस्ट करते हैं तो पंजीरी एकदम परफेक्ट बनती है। आप देख सकते हो कहीं पर भी ये चिपक नहीं रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट बनी है। इसे मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें पाउडर शुगर का यूज़ करना है। पाउडर शुगर भी आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो। और हमारे पंजीरी को अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इलायची पाउडर का यूज़ करते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज आपको मिलती रहे। आप भी इसी तरह से पंजीरी घर पर ज़रूर से ज़रूर बनाइए जन्माष्टमी पर, और सबको घर पर इसे खिलाइए।
कृष्ण जी का जन्म होगा तो आप इसे प्रसादी के रूप में हर घर में इसे बांट सकते हो। सभी आपकी तारीफ ही करेंगे क्योंकि ये पंजरवी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये कान्हा जी का प्रिय भोग है, तो इसे हर घर में बनाते ही है। आप भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी पंजरी कैसी बनी है। अब हमारी पंजरी बिल्कुल रेडी है।